सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। चिराग पासवान के तल्ख तेवर की वजह से इस बार चुनाव लड़ने वाले एनडीए उम्मीदवारों की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन बीजेपी के वैसे नेता जिन्हें एलजीपी की वजह से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, बेसब्री से चिराग पासवान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा कि चिराग पासवान केंद्र की सत्ता छोड़ बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तल्खी के बीच अब महागठबंधन में भी हलचल मची है। दरअसल राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि चिराग पासवान के एनडीए छोड़ने के बाद मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी एनडीए के साथ जा सकती है। सूत्रों के अनुसार अभी से एनडीए के नेताओं ने मुकेश सहनी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी बातचीत भी हो चुकी है। अपनी मांग बढ़ने से मुकेश सहनी का हौसला बुलंद है। मुकेश सहनी ने महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है। जी हां, उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी है। सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी का 15% वोट बैंक है, जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। इस नाते गठबंधन में अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम मजबूत हैं तो दावा क्यों नहीं कर सकते हैं। मुकेश सहनी ने एनडीए से मिल रहे ऑफर के सवाल पर कहा कि जो मजबूत होता है उसे हर जगह से ऑफर आता है। हम बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में मुकेश सहनी की इस मांग को सीट शेयरिंग में अधिक से अधिक हिस्सेदारी पाने से जोड़ करके देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 40 से ज्यादा सीटें मांगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि 25 से कम सीट पर चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अजडी सहने की वीआईपी को 20 सीटें देने को राजी है, लेकिन पेच जो है वो रालोसपा को लेकर के फंसा हुआ है। दरअसल रालोसपा ने 39 सीटों की मांग रखी है। आरजेडी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन के दूसरे बड़े दल कांग्रेस ने 90 से ज्यादा सीटों की डिमांड की है। भाकपा माले की ओर से करीब 50 सीटों की डिमांड की गई है। जाहिर है ऐसे में 243 सीटों के भीतर इस तरह की मांग का निपटारा करना मुश्किल सबब बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।